आज दारुसलाम में कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बल्दिया बीदर बल्दिया के इंतखाबात के ज़िमन में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी नवीसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट ने हज़्ब ज़ैल उम्मीदवारों को मजलिसी उम्मीदवारों के हिस्से से नामजद फरमाया। वार्ड नंबर 1 से अब्दुल अजीज उर्फ मुन्ना, वार्ड नंबर 2 से रिजवाना बेगम, दोजे उस्मान अली, वार्ड नंबर 3 से सुनीता, दोजे विजय कुमार, वार्ड नंबर 5 पे सैयद मंसूर अहमद कादरी, वार्ड नंबर 6 से आयशा बेगम, दोजे अब्दुल मतीन, वार्ड नंबर 7 से सफिया बेगम, दोजे शफीउल्ला बेग, वार्ड नंबर 8 से रफीक बेगम, दोजे शेख अफजल, वार्ड नंबर 9 से शाहीन बेगम, दोजे बाबू कुबली, वार्ड नंबर 10 से अनिल कुमार, वार्ड नंबर 11 से सरस्वती, वार्ड नंबर 12 से डीशान बल्दियत धनराज, वार्ड नंबर 19 से सैयद अब्दुल वहीद, वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद अफरोज, मोजी निर्णाकर 25, वार्ड नंबर 25 से मोजी निर्णाकर, वार्ड नंबर 26 से समीना बेगम, दोजे फहीमुल्ला बेग, वार्ड नंबर 32 से जिया, दोजे अलवर्ट कोटे, वार्ड नंबर 33 से फरदाना बेगम, दोजे मोहम्मद गौस पाशा। इन उम्मीदवारों को कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मोहतरम की मंजूरी के बाद मजलिस उम्मीदवार नामजद किया गया है। मैं तमाम राय दहिंदगान से अपील करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करें, जिनका इम्तियाजी निशान पतंग है। शुक्रिया।